और बात जोशीमठ की, जहां बारिश और बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। दो होटल्स का डेमोलिशन का काम जारी है और मदारी इन और माउंट व्यू में आज डेमोलिशन का दूसरा दिन है और अभी भी टेम्पररी निर्माण को हटाया जा रहा है। आपको बता दें, विस्थापित परिवारों को लगातार शिविरों में भेजा जा रहा है और अब तक 169 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। तो जोशीमठ में होटल्स गिराने का काम जारी है। एडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम भी तैनात है और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। कल पहला दिन था जब ये तोड़फोड़ और मकानों को गिराने का काम शुरू हुआ और आज दूसरे दिन भी हटाया जा रहा है टेम्पररी निर्माण। चलिए, आप सभी दर्शकों को इस वक्त हम जोशीमठ लिए चलते हैं। वहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा जुड़ रहे हैं। आशुतोष, आज क्या तस्वीर है? जमींदोज किए जा रहे हैं भवन, अवैध जो निर्माण है, जो अस्थाई, उनको भी हटाया जा रहा है, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? क्या अभी मांग को लेकर अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं? प्रदर्शन खत्म हो चुका है, ज्यादातर लोग राहत शिविरों में जा चुके हैं। खतरे में जो लोग थे या तो उन्हें किराए के घरों में, होटलों में अलग अलग रखा गया है। डिसमेंटलिंग की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बहुत सारी चीजें जोशीमठ में जो हो रही हैं वो सवाल खड़े कर रही हैं आशुतोष। पहला, 5 सेंटीमीटर जमीन धंस रही है, जोशीमठ धंस रहा है, वो रिपोर्ट गायब हो जाती है। आज एनडीएमए की ओर से एक आदेश आता है कि कोई भी एजेंसी के लोग मीडिया से बातें नहीं करेंगे, रिपोर्ट ना दें अलग अलग। फिर एक तस्वीर जिसको दिखाने के लिए मैं जोशीमठ से 12 किलोमीटर दूर तपोवन आया हूं। सरकार की रिपोर्ट अगर आपको याद हो, वो कह रही थी कि किसी भी तरह का निर्माण जोशीमठ या उसके आसपास नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब तक असेसमेंट ना हो जाए खतरा हो। और जैसे मैं 12 किलोमीटर दूर आया हूं, देखिए पहाड़ों को बेधड़क काटा जा रहा है, सड़कों की चौड़ाई का एक कार्यक्रम है और ये बड़े बड़े पत्थर जो कि रॉक सॉलिड माउंटेन्स हैं, इनको बड़े बड़े हैमर जेसीबी मशीनों से कंपन में महसूस कर सकता हूं। यहां खड़े होके ये कटाई का काम चल रहा है और एक नहीं, पीछे जाकर के दो दो मशीनें मैं यहां पर देख रहा हूं। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि बहुत सारी चीजें जोशीमठ में ऐसे हो रही हैं जो क्रिया है। आज वहां पर जो मैकेनिकल ड्रिलिंग मशीन है, हथौड़े हैं, उन सब का इस्तेमाल करके छत को हटाया जा रहा है और उसकी वजह ये कि दरअसल वो रॉक स्ट्रक्चर है, मजबूत है, आप कैसे उसको तोड़ सकते हैं। तो ये तमाम कार्य जो चल रहे हैं जोशीमठ में, जो गतिविधियां हैं वो अभी भी तेज हैं। आज जो विशेषज्ञों की टीम थी वो नरसिंह मंदिर गई थी जायजा लेने के लिए कि आखिर ये खिसकाव है वो कहां तक है, दरारें कहां तक है। तो विशेषज्ञों की टीम जा रही और साथ ही कहा था कि हर वजह की जांच होगी। तो अब विशेषज्ञों की जो टीम है वो एनटीपीसी प्रोजेक्ट परियोजना जो है उसके दोनों हिस्सों पर देखेगी कि जो आरोप लगे हैं क्या वो सही हैं, गलत हैं, क्या वाकई इसी परियोजना के चलते जोशीमठ। बिल्कुल आशुतोष, और जहां पर आपकी मौजूदगी है थोड़ा नेटवर्क का भी इशू हम देख पा रहे हैं, लेकिन आप तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो आंखें खोलने वाली हैं, क्योंकि यहां पर तो कहा गया था कि निर्माण कार्य पर पाबंदी है, रोक लगा दी गई है, लेकिन वहां तो आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से बुलडोजर चल रहे हैं और सड़कों को चौड़ी अभी करण की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और आपसे जानना चाहेंगे, सरकार ने इस बीच लोगों को फौरी तौर पर क्या कुछ राहत का ऐलान किया है? जो लोग अपनी डिमांड कर रहे थे, वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो रही है कि नहीं? 1.5 लाख रुपए का मुआवजा, 50,000 रुपए लोग खर्च करके यहाँ से कहीं जा सके, बाकी हो जो किराए पे लोग चले गए थे कि किराए के मकान में रहना चाहते हैं उन्हें 4,000 से 5,000 रुपए कर दिया गया है। मुआवजा जो फिलहाल है वो तो फिर भी पहुंच जाएगा। जो प्रदर्शनकारी थे, खासकर वो होटल के पास बैठे थे, वो चले गए, अब उसे तोड़ा जाना है।